मलिक मैं समझता हूँ गलतियाँ भी की हैं उनके बैट्समैन ने, आप देखें जो तीन चार बैट्समैन ऐसे आउट हुए लाइक वो बहुत ही बॉल को कम बैट दिया उन्होंने, क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलते हुए या कट करते हुए टूवर्ड्स ग्लाइड ऑन दी थर्ड मैन साइड कॉट बैंड हो गए, यू नो हैरी ब्रूक बहुत अच्छा खेल रहे थे एंड देन अगेन एक ही ओवर में सारे रन बनाना चाह रहे थे। आई थिंक इस तरह क्रिकेट नहीं होती, यू नो व्हेन यू प्ले 50 ओवर्स गेम यू नीड टू गो फॉर बिग पार्टनरशिप्स, यू नो एक ही ओवर में किसी बॉलर को आपने टारगेट कर लिया, T20 में तो समझ में आता है कि किसी ने बहुत बुरी बॉलिंग की है तो आप एक ही ओवर में मैच कर देते हो, यू नो बट यू हैव टू टेक टाइम इन 50 ओवर्स गेम। तो हैरी ब्रूक की मैं समझता हूँ गलती थी, अदरवाइज जैसे मलिक ने कहा 350 से अब फिर जाना था मैच बिल्कुल। लेट मी आस्क यू दिस एज अ कैप्टन, व्हाट काइंड ऑफ फील्ड प्लेसिंग्स वुड यू बी लुकिंग एट व्हेन यू कम टू डिफेंड दिस टोटल एज द इंग्लिश कैप्टन? ऑब्वियसली नया बॉल इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको विकेटें लेनी है, विकेटें लिए बगैर मेरा नहीं ख्याल कि आप चैलेंज कर सकते हैं। विकेट लेने के लिए क्या व्हाट शुड दे बी डूइंग? मार्क वुड के क्रिस वोक्स दो तीनों में से दो ने करने हैं ना, सो मार्क वुड क्रिस वोक्स तो नया बॉल करेगा। मुझे लगता है कि बेस्ट चांस आपका जो लेफ्ट आर्मर है इनका उसके साथ तो नया बॉल पे बेस्ट चांस है सैम करन के, अवे स्विंग है, इवन राइट हैंडर्स को कमिंग इन लेग बिफोर का चांस है, आपको अंडर लाइट्स वो ऑप्शन लेनी है। और वोक्स इज़ अ वेरी गुड बॉलर विद अ न्यू बॉल, ऑब्वियसली दे हैव टू स्टार्ट एंड देन ऑब्वियसली यू हैव द बैकअप प्लान के अगर नहीं होता स्विंग आपको लगता है कि नहीं देन द पेस विल कम, और वो जो शॉर्ट बॉल है मार्क वुड की वो आके वो एक बस दे सकता है आउट कर सकता है। थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि सैम करन को वो मिडिल ओवर्स में अगर देखें T20 फॉर्मेट में वो मैं वसीम भाई वो जिस कॉम्बिनेशन से खेलते हैं ना इंग्लैंड वाले कि हम लंबे रन्स बनाएंगे तो वो लीथल हो जाता है उस पेस में, उसकी वेरिएशन बहुत अच्छी है मिडिल ओवर्स में, वो आपको आउट करके देता है। लेकिन आज उस तरह रन्स नहीं है, आज अर्ली विकेट्स लेने पड़ेंगे। तो मुझे ये लगता है कि आज जो है वो मार्क वुड और क्रिस वोक से नया बॉल करवाएंगे क्योंकि अर्ली ऑन उनको विकेट चाहिए। इस पिच को आदिल रशीद का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, नॉर्मली डिफरेंट रोल में होता है कि मिडिल में आके वो बॉलिंग करते हैं, टीमें उनको रन्स करने के लिए उस टाइम पे जा रहे होते हैं आउट, आज थोड़ी अटैकिंग बॉलिंग स्लिप लेके एक्स्ट्रा फील्डर अंदर लेके थोड़ा सा गैम्बल इनको करना पड़ेगा फॉर विकेट्स, जो कि मेरे ख्याल में इंग्लैंड वालों को पता है वो करेंगे। ऑब्वियसली लेस रन्स हैं, अगर 5 ओवर आप देते जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल है, यू हैव टू टेक विकेट्स, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको ना चांस लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फील्डर आपको सर्कल में लाना पड़ेगा 10 ओवरों के बाद, तो यू गॉट टू यूज डिफरेंट टैक्टिक्स।